गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नए प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी का स्पेशल स्वागत है। घर में आए हुए हैं सभी और मैं अभी फ्रेश नहीं हुआ हूँ। इन सब के लिए पहले ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर लें, फिर उसके बाद से फ्रेश होंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे मैंने इनको तीनों को अपने कैट्स को दे दिए हैं सारे फूड्स जो भी इन्होंने खाया है और अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं वैसे ब्लॉग शुरुआत करता हूँ ना, अजीब सा लगता है मगर मुझे रियलिटी पसंद है अक्सर। तो पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट का सामान लेके आते हैं, फिर उसके बाद से ब्रेकफास्ट करेंगे फ्रेश होने के बाद। और आज इन तीनों को मैंने स्टूडियो में बंद किया हुआ था, बिकॉज और कोई जगह थी नहीं स्टूडियो में, कोई आ नहीं सकता, तो मैंने इसलिए स्टूडियो में इनको डाल दिया तीनों को। ब्रेकफास्ट लेने भी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 4 किलोमीटर दूर जाओ और 4 किलोमीटर आओ, यानी कि 8 किलोमीटर हो गया टोटल। फाइनली गाइस, मैंने सामान सारा ले लिया है, बस घर की तरफ निकलता हूँ क्योंकि अब सब भूखे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे होंगे सब। सारा ब्रेकफास्ट और अब करने की तैयारी है, पूरियां सबने उधेड़ दी, पापे और फैन की बारी है। अब मैं लेके आ गया हूँ घर पर सारा सामान, जितना भी सामान सब कुछ आना था वो एटलीस्ट आ गया है और अब तैयारी भी हो गई है हमारी यहाँ पर खाना बनाने की। प्याज दाग हो रही है, अभी टाइम लगेगा बहुत, लहसुन छीलने की तैयारी। और ये सब सामान यहाँ पर रखा हुआ। क्या खाएगा तू? खीर खाएगा? खीर अभी बनी है नहीं और खाने के लिए तैयार हो गया तू, खीर खानी है इसे। क्या खा रहा है ये, मुँह में क्या है तेरा, दिखाइयो। डांग है तो है ही। हमारी बचपन की रस्म जिसको हम फॉलो करते हैं, दूसरी शादी में बारिश। तभी भगोना चाटने की तैयारी, वहाँ सारी खीर निकल चुकी है, हो रही बिठा दो। आप ना पे जाओ, गिर ना जाए, तुम देखते रह जाओ। जोही देना, उधर देना सलमान साइड में, चलो तुम मुझे जल्दी जल्दी देना सारी। जैस को तो खिला दो, वो बेटा है। जुहान को भी खिला दो, जीजू निकल कर आए ने भी। लो तुम भी चाट लो, लो हमारे पेड़ हैं। जुहान को खिलाना फिर ना भी। मुझे हर चीज सही है खाने के लिए, खा ले। चलो बस खत्म हो गई, अब तो हमारी सेट हो गई है यहाँ पर सब जगह, खीर ऊपर नीचे हमने अच्छे से सेट कर दिए। अब ये ठंडी होगी तभी मजा आएगा खाने में। अब डल गया हमारा कोरमा, बन रहा ना ये। और ये दूसरी तरफ बिरयानी के लिए चावल भी डल गए, रोटी बना रही है हमारी अम्मी और हमारी खाला। हाय 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 करो, हाय करो। एक बहन चावल बना रही है तो दूसरी बहन कोरमा बना रही है और बाकी तीसरी बहन यहाँ कहाँ लगी हुई है, तीसरी बहन ये लगी हुई और वो बाबा जी, ये बाबा जी बैठी हैं, ये बराबर से इनके पूरे हके पीछे काम करने में। और ये हमारे जेदू भाई दाल सूजी भी, दही भी डल गई है इसके अंदर, एक ही तरह का सारा सामान डल रहा है। अब शुरुआत हो चुकी है हमारे लंच करने की, खाना वाना खाने की, सब यहाँ पर बैठ गए मगर हम बैठेंगे यहाँ, है ना, यहीं पर ही बैठ गए खाएंगे, बाकी ये सब वहाँ खा रहा है एक ही जगह। फिलहाल 5 बजे का टाइम हो गया यार, ये कुछ ज़्यादा ब्लू हो रही है लाइट, ब्लॉगिंग करने में ना कुछ ज़्यादा ब्लू लग रही है, वहाँ से बंद होगी। चलो फिलहाल रहन दो, कर देंगे अब बाद में। तो अब खाना वगैरह खाते हैं जितना भी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद से सब, अभी और आने हैं, अभी और लोग आने हैं। अब वाइट हो रहा है फोकस, ये ब्लू हो गया, ये वाइट हो गया, ये ब्लू हो गया। ये आ गया हमारा कीमा, कल वाला ना, रात वाला, ये रात वाला कीमा। और ये आ गया गर्मा गर्म चावल, खिचड़ी है ना ये खिचड़ी हो रही है। लेके आओ चम्मच।
फिलहाल लास्ट टाइम मैं आके देखा तो यहाँ पर गाड़ी में पंचर, इसमें भी और उसमें भी, यानी कि जान करके निकाला गया है। ये जो जगह है ना, ये यहाँ से वहाँ हमारा घर है और यहाँ नीचे हमारी गाड़ी लगी थी। यहाँ नीचे मतलब ऊपर रह रहे हैं हम और नीचे हमारी गाड़ी लगी है, उसके बावजूद भी पंचर गाड़ी के अंदर। ये सिचुएशन है यहाँ की। ये तो पहली बार सीन हुआ यार। ऐसे ऐसे भी सीन होते हैं, यानी कि मैं पसीनों में बिल्कुल नहा गया हूँ। दोनों टायरों में लिटरली पंचर, लेफ्ट हैंड साइड का दोनों टायर में पंचर, आगे भी पीछे भी। पीछे की तो स्टेपनी लगा ली, बिकॉज स्टेपनी एक ही होती है, आगे की नहीं होती। मतलब आगे लगा लो या फिर पीछे लगा लो, एक ही होती है स्टेपनी, और एक में अभी भी पंचर है। तो अब बाहर जाकर देखते हैं, रवानगी तो मैंने कर दी है फिलहाल। अब मैं चलता हूँ वापस घर की ओर। गाड़ी मैंने दिखाया था, गाड़ी मैंने लगाई थी यहाँ नीचे इस वाले खंभे के पास, और रहते हैं हम ऊपर हैं फोर्थ फ्लोर पर। मतलब नीचे के नीचे पंचर हो गया यार दोनों टायरों में, हद होती है भाई। फाइनली गाइस, अभी टाइम हुआ है रात को 1 बजे का, और मेरी आंखों में अभी से नींद आनी स्टार्ट हो गई है, बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। क्योंकि सुबह से लेके अब तक कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस यही सब मेरा कंटिन्यूसली लगा हुआ है यार। और हमने लाइटिंग तो लगा लिया यार, एक पंगा ये पता नहीं कहाँ से इतने सारे बुनके आ जाते हैं यार, जबकि हमारे गेट वेट सब कुछ बंद रहते हैं, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जबकि इस वाले रूम में नहीं है, यानी कि अपने स्टूडियो में नहीं है, सिर्फ इधर और साथ में ये वाले रूम में। अभी फ़िलहाल हमने गेट भी खोल के रखा हुआ है, बिकॉज ये जल्द से जल्द भाग सकें, इसलिए हमने लाइटिंग वगैरह यहाँ की सब कुछ बंद कर दी है। बिकॉज जब लाइट यहाँ की जलती है ना, तो बहुत ज़्यादा आते हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे आ रहे हैं। सो मैंने डाल दिया पिंजरे में, और उन दोनों को मैंने वहाँ पर बंद कर दिया है, आराम से रूम में बैटरली वो सो रहे हैं दोनों। अगर हम उनको देखें, ये आराम से यहाँ पर दोनों पड़े हुए हैं। मैंने ब्लैंकेट अच्छा सा बिछा दिया है, साथ में इनका फूड, और यहाँ इनका पॉड का सिस्टम। बट ये बहुत कंफर्टेबली रहते हैं, मैं इनको परेशान कमी से करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर ये उठ जाए ना, तो फिर भाई साहब हमारी लेनी देनी कर देंगे। इसलिए ये भी दोनों सो रहे हैं, सोते रहो देखो कैसे आराम से सो रही है, देखो देखो हाथ रख के, जैसे सोते ना इंसान गर्दन के नीचे हाथ रख के, कुछ उस स्टाइल में सो रही है ये आराम से। और ये देखो, ये देखो, ये ऊपर ही पड़ा हुआ है, इनके लिए कितनी सेफ्टी कर दो यार। पर तुम सारे, तेरे लिए ब्लैंकेट बिछाया तो यहाँ नीचे लेटना, वहाँ क्यों लेटा है ऊपर? चल लेट जा, सो जा, जहाँ तेरा मन करे तू वहाँ लेट, वहाँ लेट। और फिलहाल अच्छी खबर ये है कि इसका जो पैर में पता नहीं क्या हो गया था, वो अब ठीक हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। चलो सो जाओ, सो जाओ आराम से, उसको तो होश ही नहीं है, सो ही पड़ी आराम से। और जबकि हमारी स्वीटी होती है ना वाइट वाली, अगर वो सो रही हो अंदर और अचानक से गेट भी खोलो, तो उसकी आहट से आँख खुल जाती है। मगर इनकी देखो, आराम से मस्त से सोए पड़े हैं, टेंशन फ्री। चलो वापस बंद कर देते हैं, कभी ये परेशान कर दें। तो ये गेट थोड़ा सा लूज है, इसलिए मैं यहाँ पर लॉक लगा के रखता हूँ। लॉक लगाना ज़रूरी है कि स्वीटी अंदर घुस जाती है, अगर वो अंदर घुस गए ना, तो इनके ऊपर झपट मार देती है, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। और आज कुछ मेरा स्टूडियो ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब सारा सामान सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ है यहाँ पर स्टूडियो में। हालांकि यहाँ पर कोई यूज़ था नहीं, गेट वेट बनते, बस मैंने कैट्स को बंद किया हुआ था और कुछ नहीं। ट्राईपोर्ट भी अपने सारे लगे हुए हैं, अब तो चार चार ट्राईपोर्ट हो गए, एक वो लाइट स्टैंड हो गया, बाकी इससे ये पहले हम यूज़ करते थे, बाकी ये दो और ले आया था मैं एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको दिखाई दी थी। और जो मैं सारी टी शर्ट्स लेके आया था, उसमें से एक टी शर्ट्स ये भी है, यानी कि सेकंड टी शर्ट जो मैंने पहन ली है, कंफर्टेबल है काफ़ी, अच्छी है, फिटिंग विटिंग भी सब कुछ मस्त है, मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है सब पहनने के बाद। जबकि मैं टी शर्ट में परचेज कर रहा था, वो कंफ्यूज था कि भाई आने वाले टाइम में तो ठंड आ रही है और आप ये टी शर्ट ले रहे हो, वेरी शॉक। मैंने कहा हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऊपर से जैकेट डाल लूँगा, बस बेटर है मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे कंफर्टेबल लगता है तो ठीक है यार। और यहाँ हमारे घर के नीचे गाड़ी लगी हुई थी, ये बड़ा बहुत बुरा पंगा है यार। थोड़ा सा नज़र हमने हटाई और आगे के दोनों टायर यार पता नहीं हवा निकाल दी, क्या कर दी किसी ने भाई, क्या मिलता है यार समझ में नहीं आता। जबकि सैटरडे नाइट गाड़ी लगाई थी, संडे एटलीस्ट छुट्टी होती है, सब कुछ बंद होता है, शॉप भी बंद रहती हैं, जबकि हमारी बिल्डिंग के नीचे दो शॉप हैं वो बंद रहती हैं। अब एक दिन अगर गाड़ी खड़ी है यार, तो क्या किसको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता आखिरकार क्यों लोग इस तरह से करते हैं। और मेरा मानना है कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, बस सब्र करो, ऊपर वाला जिसने किया होगा अपने आप दिखा देगा। हम किसी के साथ में गलत नहीं करते, बस मैं इतना जानता हूँ, अगर फिर भी लोग हमारे साथ में ऐसा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हम तो झेल लेंगे, बस हम सब्र कर लेंगे। मगर मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उसके ऊपर रहम करिए बस, जो भी है, क्योंकि कहते हैं कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, एक बद्दुआ देने से खतरनाक होता है सब्र। इसलिए अगर किसी इंसान को ना हक बिना वजह परेशान करना, सताना, अगर उसने सब्र कर लिया, वो आपको कुछ नहीं बोला, तो लिटरली फिर आपके साथ में क्या होगा, ये बस हम यही सब कहेंगे कि ऊपर वाला ही रहम करे। इसलिए
मैं बस वही सब करता हूँ भाई, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेना देना नहीं है बस। हाँ, सब लोग का मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब जो हमारे साथ में जैसा कर रहा है कर ले यार, कोई टेंशन नहीं है, कब तक करेगा। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग की करते हैं यहीं पर ही समाप्ति। आई होप कि आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में अगले दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और जब मैं फ़ोन को ऐसे हाथ में लेके ब्लॉगिंग करता हूँ ना, तो मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग जाता है। चलो कोई नहीं, भी थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक, 5-1 मिनट में हो जाएगा। जिस तरह से मैं पकड़ा हूँ ना, इस तरह से ये, तो हाथ इसमें बिल्कुल सीधा रखना होता है। हालांकि मैं ज़्यादा ऊपर लेता नहीं हाथ, मैं हाथ को यहीं रखता हूँ नीचे तक। अगर ऊपर लूँ तो ये तो बहुत लंबा चला गया यार। तुमने फ्रूटी निकाल के रखी हुई है ना, हम पिएगा, हम पिएगा है। तो मेकअप कह रहा हूँ किसी और के लिए है, मुझे पता तुम्हारे लिए है। अगर मैं पीऊँगा इसको नहीं पीऊँ, क्यों नहीं पीऊँ सबकी बात। चलो रखती लो, थैंक यू सो मच, अल्लाह मेरी तौबा, भलाई कर दी, भलाई भलाई कर दी, भलाई। देखा कोई पंचर करके साला गया है नीचे, किसको क्या कहे यार बताओ। मजाक मजाक बनाती है, हद होती है यार। चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मुझे इसमें मजा आता है ये करने में। गुड नाइट, अब बाय।